हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ RS धाकरे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, RVPG कॉलेज, आगरा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे BSCEG सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। आज हम एक नए बिंदु को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये हमारे कॉलेज की फेसबुक का आईडी है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। ये ऑनलाइन क्लासों के लिए, लेक्चरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं इन साइटों पर। तो बात करते हैं, आज हमने जो टॉपिक लिया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। अगर समय होता है तो हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो कार्यक्रम नियोजन का अभिप्राय क्या है और परिभाषाएँ क्या हैं और उसके सिद्धांत क्या हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सिद्धांत, क्लियर। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात की है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात करी है। ठीक है, तो आज हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पॉइंट लेते हैं कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, कार्यक्रम नियोजन क्या होता है, कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता क्या है। अगर हम इसकी बात करें कि कार्यक्रम नियोजन, तो समस्त मानवीय क्रियाओं के लिए हमें क्या करना होगा, कार्यक्रम नियोजन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिना कार्यक्रम नियोजन के नॉलेज के कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी देश निश्चित लक्ष्य की क्या है, प्राप्ति नहीं कर सकता, जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, प्रोग्राम प्लानिंग का के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यदि हम कहते हैं कोई भी कार्यक्रम बना रहे हैं और उस कार्यक्रम का हम नियोजन करना नहीं जानते हैं, तो हम उस कार्यक्रम में सफल नहीं हो सकते। क्लियर, तो हम बात करते हैं कार्यक्रम नियोजन शब्द की के अर्थ की। तो कार्यक्रम नियोजन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यक्रम और नियोजन। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, नियोजन मतलब प्लानिंग। क्लियर, तो कार्यक्रम क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो कार्यक्रम में वर्तमान दशा, आवश्यकता और समस्या, उद्देश्य तथा उन सभी समस्याओं का उपचार आदि कार्य जो हैं वो आते हैं। क्लियर, तो कार्यक्रम में क्या आता है कि वर्तमान दशा आती है, वर्तमान दशा, आवश्यकता और समस्या, उद्देश्य तथा उन सभी समस्याओं का उपचार आदि कार्य आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, प्रोग्राम है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तो दूसरे शब्दों में क्या है, क्या होना है आदि प्रश्नों का उत्तर देना ही कार्यक्रम कहलाएगा। सपोज दैट किसी व्यक्ति को क्या है कि वो आगरा में रहता है और उसे क्या करना है, दिल्ली में पहुँचना है, और दिल्ली में जाकर के क्या करना है, उसे ICR का विजिट करना है। क्लियर, तो ये क्या हुआ, ये उसका प्रोग्राम हुआ कि आगरा से उसे दिल्ली जाना है, दिल्ली से जाकर के उसको क्या करना है, ICR का विजिट करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये उसका कार्यक्रम है। अब हम बात करते हैं नियोजन की, तो नियोजन में क्या होता है, नियोजन में समस्त क्रियाओं को इस ढंग से करना कि कार्य कुशलतापूर्वक हो जाए, नियोजन कहलाता है। क्या हो जाए कि हम जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य यहाँ पे हमने करे थे, कार्य जो आते हैं, उन कार्यों का क्या है, उन समस्त कार्यों को इस ढंग से करना, एक्शन में लेके आना है। यहाँ पे यहाँ हमने कार्यक्रम बनाया था, ठीक है, उस कार्यक्रम के बारे में चीज़ें बनाई थी, अब उस कार्यक्रम को एक्शन में लेकर के आना है, करना है, और इस प्रकार करना है कि कार्य क्या है, कुशलतापूर्वक कम्प्लीट हो जाए, कुशलतापूर्वक हम उसको कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, वो नियोजन कहलाएगा। सपोज दैट जो बात हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है वो आगरा में रहता है
उसे दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाकर के क्या करना है, उसे ICR का विजिट करना है। तो अब वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किस समय जाएगा, टाइम देखना पड़ेगा उसको, टाइम के बाद किसके द्वारा जाएगा, बाई बस जाएगा, बाई ट्रेन जाएगा, बाई व्हीकल जाएगा, ये उसको तय करना है। ठीक है, इसके बाद में उसे दिल्ली कितने समय पहुंचना है, सही समय से पहुंच जाए जिससे कि वो ICR का विजिट कर सके। इसके बाद में ICR में जाने के लिए, ICR में विजिट के लिए क्या है कि उसे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होगा। तो क्या है, ये सब क्या हो गए, ये समस्त क्रियाएं होंगी, उनको इस तरीके से हमें करना है कि उसने जो उद्देश्य बनाया है, जो कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाया है, वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले, गेन कर ले। ठीक है, तो इन सभी कार्यों को क्या करना है, कुशलतापूर्वक करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियोजन। ठीक है, तो ये तो था कार्यक्रम नियोजन का अर्थ। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा की। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में क्या होता है कि कोई भी जो परिभाषा होती है वो साइंटिस्ट के नाम के अनुसार यानी वैज्ञानिक के अनुसार होती है, और वैज्ञानिक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा, उस परिभाषा में हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कहते हैं एग्ज़ाम में कोई भी परिभाषा लिखनी है तो वो वैज्ञानिक के नाम के, वैज्ञानिक के नाम के अनुसार लिखनी है। ठीक है, और जैसी परिभाषा उस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है सेम टू सेम वैसी ही परिभाषा को हमें लिखना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन की, पहली परिभाषा। पहली परिभाषा जे एस कर के अनुसार क्या है कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो सके। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू जे एस गर्ग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड डेफिनेशन किसके अनुसार है, कैल्सी एवं हारने के अनुसार। कैल्सी एवं हारने क्या कहते हैं कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, जो प्रसार कार्यक्रम है वो स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधानों का वर्णन है। ठीक है, तो ये कैल्सी एवं हारने के अनुसार। थर्ड जो डेफिनेशन है वो जेपी लिगन्स के अनुसार है। जेपी लिगन्स के अनुसार क्या है कि विस्तार कार्यक्रम सावधानी से अच्छी प्रकार समझकर तय किए गए उद्देश्यों की सूची है जो स्थिति का अच्छी प्रकार विश्लेषण करके तय किए गए हैं और जिन्हें विस्तार कार्यों के द्वारा पूर्ण करना है। तो ये जो परिभाषाएँ हैं, कुछ परिभाषाएँ जो कि कुछ साइंटिस्टों के, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दी गई हैं, इन परिभाषाओं के द्वारा हम कार्यक्रम नियोजन के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट चलाना पड़ रहा है ताकि एक और जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग यानी कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत, इसको भी हम समेट सकें इसी वीडियो में, इसके लिए कोई दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत के बारे में। तो कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है कि कार्यक्रम नियोजन ग्रामीण व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाने का तात्पर्य क्या है कि जो फेल्ट नीड्स हैं, ठीक है, फेल्ट नीड्स को हम क्या कहते हैं, आवश्यक आवश्यकताएं, क्लियर। तो फेल्ट नीड्स को बनाने के लिए हमको, हमें क्या करना है कि किसी भी कार्यक्रम को नियोजित करने के लिए, किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए जो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रूरल इंडिविजुअल्स जिनको हम कहते हैं या कहते हैं जिन्हें हम फार्मर कहते हैं, उन फार्मरों की जो बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग ही यदि हम कोई भी कार्यक्रम बनाएंगे तो क्या होगा कि वो लोग हमारे प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे और कोऑपरेट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर, ठीक, ओके।
तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि कार्यक्रम नियोजन जो है वो वर्तमान स्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। वर्तमान स्थिति के अनुसार यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने का तात्पर्य ये है कि जो जहाँ के व्यक्तियों के लिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम क्या है, जिस प्लेस के लिए बना रहे हैं उस प्लेस के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके सोशल सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए, सोशल लाइफ को ध्यान में रखते हुए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उनके पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके बारे में ध्यान रखते हुए, उनकी जो कल्चरल लाइफ है उसके बारे में भी ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम को हमें प्लान करना है, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को हमें कैसे प्लान करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लेस, ठीक है, वर्तमान स्थिति के अनुसार ही हमें क्या करना है, किसी भी कार्यक्रम को नियोजित करना है, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अनुसार क्या है कि कार्यक्रम का उद्देश्य नियोजन से पहले निर्धारित कर लेने चाहिए। जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या ऑब्जेक्ट है मतलब व्हाट इज़ द गोल, हम उस प्रोग्राम से क्या पाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें क्या है पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए कि उस कार्यक्रम को हम क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों नियोजित कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड या व्हाट वी वांट, ठीक है, हम उस प्रोग्राम के द्वारा क्या चाहते हैं, क्लियर। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो प्रिंसिपल नंबर थर्ड है, जो सिद्धांत नंबर तृतीय है, उसके अनुसार क्या है कि हमें कार्यक्रम को पहले का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारा गोल है हम उस गोल से ना भटकें, उस गोल की तरफ ही हम पहुँचें और हम इधर से उधर राह ना भटकें, क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर नंबर पॉइंट की। तो फोर नंबर पॉइंट के अनुसार क्या है कि कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से हो कि कार्यक्रम में जल्दी होने वाले और देर से होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित हों, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम मान लीजिए देर से होने वाला प्रोग्राम है, यानी कि उसमें जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइमिंग अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग बोरियत महसूस करने लग जाएंगे या उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो लोगों के प्रोग्राम में इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ जो कार्यक्रम हैं वो जल्दी होने वाले बनाने होंगे, ताकि उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से लोगों का इनकरेज होंगे, लोग इनकरेज होंगे और उससे क्या है इफ़ेक्टेड भी होंगे, यानी प्रभावित होंगे, और इससे क्या होगा कि वो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपके प्रोग्राम को क्या करेंगे, कॉपरेट भी करेंगे, क्लियर। तो दिस इज़ द चेन, हम इस चेन के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जब कोई भी कार्यक्रम का नियोजन करें तो वो कार्यक्रम इस प्रकार से नियोजित करें कि उसमें जल्दी होने वाले कार्यक्रम भी हों और देर से होने वाले कार्यक्रम भी सम्मिलित हों, क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव की। तो पॉइंट नंबर फाइव के अनुसार क्या है कि कार्यक्रम नियोजन में स्थायित्व के साथ साथ लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक अंग है किसी भी कार्यक्रम को नियोजित करते समय, किसी भी कार्यक्रम की प्लानिंग करते समय हमें क्या करना होगा कि उसमें परमानेंसी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर परमानेंसी नहीं होगी कि कोई भी कार्य को हमें व्हाट इज़ द वर्क, व्हेन, हाउ, ठीक है, तो ये जो कहते कुछ चीज़ें हैं कि हमें किसी भी काम को कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सारी चीज़ों को अगर हम परमानेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो प्लान नहीं हो पाएगा, यानी कि
नियोजित नहीं हो पाएगा। तो परमानेंसी तो चाहिए, लेकिन परमानेंसी के साथ में हमें क्या करना है कि उस कार्यक्रम में लचीलापन भी लेके आना है। लचीलापन लाने का तात्पर्य ये है कि यदि पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उस कार्यक्रम में चेंज ला सकें, यानी कि जो हमारा कार्यक्रम है वो चेंजेबल होना चाहिए। चेंजेबल क्या है कि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है तो हम उस कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज कर सकें और अपने उद्देश्यों को यानी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, गेन कर सकें। ठीक है, तो हमारा क्या है मेन चीज़ कि हमने जो थर्ड नंबर पॉइंट था उसमें पहले ही कर लिया था, क्या कर लिया था कि उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया था। उस उद्देश्य को पाने से अगर हमें कोई भी समस्या आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लचीलेपन का फ़ायदा होने की वजह से हम क्या करेंगे कि अपने प्रोग्राम में चेंज लेके आएंगे, और उस प्रोग्राम में चेंज लेकर के आने से हम क्या है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर प्रिंसिपल की। तो 6 नंबर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि कार्यक्रम नियोजन में एक निश्चित कार्यों का नियोजन होना चाहिए, अर्थात कोई कार्य कब, कैसे, कहां और किसके द्वारा किया जाना है यह निश्चित होना चाहिए। तो ये तो जब हमने बात करी थी कार्यक्रम नियोजन के अर्थ की, अभिप्राय की, तभी हमने ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी काम को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा किया जाना है यह निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के अनुसार भी यही है कि कार्यक्रम नियोजन का जो सिद्धांत है वो उसमें क्या होगा कि एक निश्चित कार्यों का नियोजन होना चाहिए, अर्थात कोई काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा किया जाना है ये पहले से निश्चित कर लेना चाहिए ताकि उस प्रोग्राम को सरलतापूर्वक चलाया जा सके, ईजिली हम उस प्रोग्राम को चला सकें। क्लियर। अब पॉइंट नंबर सेवन के अकॉर्डिंग क्या है कि कार्यक्रम नियोजन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो कार्यक्रम नियोजन क्या है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का मतलब ये क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम नियोजन है वो क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 8 के आंसर क्या है कि कार्यक्रम नियोजन स्थानीय व्यक्तियों तथा उनकी संस्थाओं से जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा कार्यक्रम नियोजन है, जो हम कार्यक्रम बना रहे हैं, वो जो कार्यक्रम है वो स्थानीय व्यक्तियों से तथा उनकी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, लोकल इंडिविजुअल से तथा उनका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशन से तथा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस से भी हमारा जो कहते हैं प्रोग्राम है वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, उनसे जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव होने से क्या होगा कि उन लोगों का को आपके प्रोग्राम में इंटरेस्ट आएगा कि ये जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है वो प्रोग्राम उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो कनेक्शन को जब दिखाया जाएगा तो कनेक्शन को दिखाने से क्या लाभ होगा कि व्यक्ति आपके प्रोग्राम के प्रति रुचि रखेगा। क्लियर, तो व्यक्ति जब आपके प्रोग्राम के प्रति रुचि रखेगा तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, तथा उसका जो नियोजन किया है तथा उसके जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो ऑब्जेक्ट उसको हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हमें पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कार्यक्रम नियोजन को हमें क्या होगा, जोड़ना होगा स्थानीय व्यक्तियों के साथ तथा उनकी संस्थाओं के साथ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, जो हमारा कहते हैं प्रिंसिपल है उसके अनुसार। तो पॉइंट नंबर 9 के अनुसार क्या है कि प्रसार कार्यक्रम का नियोजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम व्यवहारिक हो। ठीक है, तो जब भी हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं, किसी भी कार्यक्रम का हम नियोजन करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने कार्यक्रम बनाया है वो क्या होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए। ठीक है,
तो बिहेवियरल होने का तात्पर्य ये है कि व्यवहारिक होने का तात्पर्य ये है कि जो शिक्षात्मक विधियाँ हम कहते हैं यूज कर रहे हैं, जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो मेथड्स को हम क्या कर सकेंगे, एवेल्यूशन कर सकेंगे उनका। एवेल्यूशन करने के आधार पे हम क्या है उसका सही उद्देश्य जो है, जो उद्देश्य है उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। और अगर वो व्यवहारिक नहीं होगा तो हम क्या है कि हम अपने कार्यक्रम में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम प्लानिंग करते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कार्यक्रम जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।